हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होप ऑल आर गुड सो फ्रेंड्स आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इंस्टेंडिंग वायरल रील की एडिटिंग आप कैसे करेंगे आ, इस तरह का वीडियो आप वी एन एप्लीकेशन की मदद से बना सकते हैं वी एन ऐप अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे आपको नहीं पता कि कैसे आपको मिलेगा तो आपको ईजीली प्ले स्टोर पर मिल जाता है आप इंस्टॉल कर लीजिएगा जब आप ओपन करते हैं इस तरह का इंटरफेस आपको मिलता है इस वीडियो को बनाने के लिए गैस आपको एट फोटोज़ की ज़रूरत है एंड फ़ोटोज़ इंपोर्ट करने के लिए आप यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके आपको फ़ोटोज़ इंपोर्ट करने तो यहाँ पर मैं फ़ोटोज़ इंपोर्ट कर लेती हूँ ओके एंड यहाँ से आपको फॉरवर्ड कर लेना है इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर फोटोज़ ऐड करेंगे यहाँ एंड में आपको वी एन का डिफ़ॉल्ट क्लिप मिलता है इसको आपको डिलीट कर लेना है दैन यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके नाइन पॉइंट सिक्सटीन की रेशियो आप सेलेक्ट कर लेंगे अब दोस्तों आपको म्यूज़िक ऐड करना है म्यूज़िक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा टेलीग्राम पर जाकर आपको रील वीडियो डाउनलोड करना है देन वीडियो से हम यहाँ ऑडियो एक्सट्रैक करेंगे यानी कि म्यूज़िक तो एक्सट्रैक करने के लिए आप यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे एंड म्यूज़िक पे क्लिक करेंगे देन प्लस पे क्लिक करके ऑप्शन में मिलता है आपको एक्सट्रैक फ्रॉम वीडियो का इसको आपको क्लिक करना है जो टेलीग्राम से जो रील आपने डाउनलोड किया होगा उस रील को आपको यहाँ से ले लेना है तो मैं वो रील ले, ले लेती हूँ ओके एंड यहाँ से आपको ओके कर लेना है तो दोस्तों आप यहाँ चूज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड दोस्तों यहाँ आप म्यूजिक बीट्स के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ से आप बीट मार्क लगाते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम बीट मार्क लगा रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको करना होता है यहाँ से आपको साउंड प्ले करना होता है जैसे ही आप प्ले करते हैं तभी आपका जो फ्लैग वाला ऑप्शन है ये इनेबल हो जाता है एंड यहाँ पर आपको क्लिक करके मार्क लगाने होते हैं ओके तो आपको बीट सुनते हुए मार्क करना है अगर आप बीट सुनते हुए नहीं मार्क् कर पाते हैं तो इजी वे मैं आपको बताती हूँ यहाँ आप म्यूज़िक डैश लाइन के ऊपर देख सकते हैं जहाँ पर ज़्यादा आप हैं वहाँ पर आप मार्क कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर ज़्यादा आप है तो यहाँ पे आप फर्स्ट मार्क लगा सकते हैं सेकंड मार्क आप यहाँ लगा सकते हैं थर्ड यहाँ लगा सकते हैं एंड फोर्थ यहाँ लगा सकते हैं इस तरह तो से आप मार्क करेंगे उसके बाद आपको साउंड को सुनना है कि आपने जो मार्क लगाए हैं वो आपके साउंड के साथ मैच कर रहे हैं या नहीं तो यहाँ पर मैं इसी तरह से मार्क कर लेती हूँ ओके तो इस तरह से आपको मार्क करना है यहाँ से आपको डन कर लेना है अगेन आप डन करेंगे इस तरह से दोस्तों आपके बीट मार्क यहाँ पर ऐड हो जाते हैं अब दोस्तों आपको क्या करना है आपने जो फोटोज़ लिए हुए हैं उनको आपको डुप्लीकेट करना है तो डुप्लीकेट करने के लिए सिंपली आपको जैसे कि फर्स्ट फोटो के ऊपर आना है यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है स्प्लिट का आपको स्प्लिट कर लेना है इस तरह से सारे फोटोज़ को आप डुप्लीकेट कर लेंगे तो मैं फटाफट से कर लेती हूँ इस तरह से अब आप क्या करेंगे जो बीट मार्क आपने लगाए हैं उनके अकॉर्डिंग फ़ोटोज़ की ट्रिमिंग करेंगे ओके अगर आप बीट मार्क नहीं भी लगा पाते हैं आपको प्रॉब्लम आती है तो आफ्टर ट्रिमिंग मैं आपको बता दूंगी कि आप फोटोज़ की ट्रडिशंस क्या रखेंगे अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ तक हमारा म्यूज़िक है एंड फ़ोटोज़ हमने डुप्लीकेट करे थे तो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं फ़ोटोज़ तो इसके लिए आपको क्या करना है जो हमने बीड के अकॉर्डिंग ट्रिमिंग करी थी तो फोटोज़ की ड्यूरेशन लगभग आएगी ज़ीरो पॉइंट नाइन जीरो सेकेंड तो अब हमें क्या करना है जो ट्रिमिंग हमने नाइन जीरो सेकेंड करी है उनका हाफ करके यानी कि जीरो पॉइंट फोर फाइव सेकेंड हर फोटो की ड्यूरेशन रखनी है तो अब मैं अगेन इनको ट्रिम करूँगी एंड 0.45 सेकंड इनकी ड्यूरेशन रखूँगी ओके okay, तो दोस्तों इस तरह से आपको फ़ोटोज़ की ड्यूरेशन रखनी है जीरो पॉइंट फोर फाइव सेकेंड सारे फ़ोटोज़ की ओके okay? अब हमें क्या करना है फ़ोटोज़ में फ़िल्टर अप्लाई करना है तो इसके लिए आपको क्या करना है जो आपका फर्स्ट फोटो है उसको छोड़ देना है सिंपल रखना है एंड उसका जो डुप्लीकेट हमने करा है उसमें फ़िल्टर अप्लाई करना है यही प्रोसेस आपको सारे फ़ोटोज़ में करनी है फिर से एक फोटो सिंपल रखना है एंड उसका नेक्स्ट फोटो यानी कि डुप्लीकेट फ़ोटो आपको फ़िल्टर करना है ओके तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं मैं बस एक फोटो का एग्जाम्पल आपको दूंगी बाकी आप समझ जाएंगे कि आपको आगे क्या करना है तो यहाँ सेकेंड डुप्लीकेट फोटो पे आना है एंड यहाँ आपको फ़िल्टर का ऑप्शन मिलेगा इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फ़िल्टर ले सकते हैं बट मैं सजेस्ट करूँगी एस्थेटिक आप लें ओके एंड एस्थेटिक में आपको जो पसंद आए यहाँ से आप ले सकते हैं ओके ये वाला कर सकते हैं सीज़न वाला एस टू एंड यहाँ से डन कर सकते हैं और भी अगर आपको पसंद आते हैं तो यहाँ आपको बहुत सारे मिल जाते हैं बट मैं ये वाला अप्लाई करूँगी एस टू वाला ओके एंड यहाँ से डन कर लेना है इस तरह से हमारा ये सिंपल फ़ोटो हो गया और इस तरह से फ़िल्टर्ड फोटो हो गया अब यही सेम प्रोसेस आपको सारे फ़ोटोज़ में करनी है तो चलिए मैं फटाफट से इनमें फ़िल्टर अप्लाई कर लेती हूँ ओके okay, तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो वीडियो है कंप्लीट हो गया है इस तरह से आपका वीडियो बनेगा ये सिंपल फ़ोटो एंड ये फ़िल्टर्ड फ़ोटो ओके एंड ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल है बस आपको क्या करना है एट फ़ोटोज़ लेने हैं एट फ़ोटोज़ का डुप्लिकेट आपको सिक्सटीन करना है एंड सिक्सटीन फोटोज़ की ड्यूरेशन रखनी है ज़ीरो फ़ोर फाइव सेकेंड ज़रूरी नहीं है कि आपको बीट मार्क लगाने हैं या बहुत सोचना है बहुत टेंशन लेनी है इस वीडियो के बारे में बिल्कुल भी नहीं बस आपको ट्रिम करना है एंड जीरो पॉइंट फोर फाइव सेकेंड ड्यूरेशन रखनी है सिक्सटीन फोटोज़ की ओके एंड उसके बाद आपको फिल्टर अप्लाई करना है एस्थेटिक एस टू यानी कि डुप्लीकेट फोटो में एंड आपका वीडियो रेडी हो जाता है अब आप इसे सेव कर सकते हैं सेव करने के लिए आपको यहाँ एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ से डन कर लें अब दोस्तों आप यहाँ सेव टू एल्बम के ऊपर क्लिक करेंगे एंड वीडियो आपका सेव हो गया सो so, कैसा लगा है दोस्तों आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर लें एंड अगर आप चाहते हैं कि मेरे चैनल के थ्रू आपको इसी तरह के ट्रेंडिंग वायरल रील से रिलेटेड नोटिफिकेशंस मिलती रहे तो आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए सो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर